मेरा नाम मजीत सिंह है और मेरे को नहीं लग रहा भी शायद हम स्कूल के नीचे से निकल सके। जिसने लेबर ने काम करना है वो तो शायद निकल देगी क्योंकि उसको अपने कपड़ों की परवाह नहीं है। जो पैंट बुशर्ट जैसे आप लोग आए हो टाइल लगा के, वो मेरे को नहीं लगता इसके नीचे से निकल सकता स्कूटर मोटरसाइकिल लेके। और सबसे बड़ी बात है पैदल वाला कहाँ से निकलेगा? इनको चाहिए था पैदल के लिए कम से कम एक फुटपाथ ही बना दे रास्ते में साइड में, कि कम से कम पैदल वाला सूखी जगह से तो निकल जाए, या लेबर वाला जो जिसको पता है मैंने जाके मिट्टी में ही काम करना है वही निकल सकता है, अदरवाइज और कोई नहीं निकल सकता। ही नहीं है जी, इनके बस की नहीं है, सारे इनके इंजीनियर फेल हो चुके हैं। अब दोबारा से इंजीनियर कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं, या तो इंजीनियर ही पढ़े लिखे नहीं है। इससे अच्छा तो हमारे मैकेनिकों को देते, हम ठीक कर देते। मैं मैकेनिक हूँ, मेरे को ठेका दे देते, मैं कर देता ठीक, सलाह दे दूंगा, मेरे को लिए तैयार हूँ, पर मैं अपनी फीस लूंगा, ये ऐसे बंद हो जाएगा। क्या नाम है अंकल? सुनील कुमार। लगभग 6 साल के बाद ये रेलवे अंडरब्रिज बनकर तैयार हुआ है, किस प्रकार की सुविधाएं जो है वो आपको? अभी तक सुविधाएं तो कोई नहीं मिली जी, हम तो ये कह रहे हैं 6 साल लग गए इसको बनने में, 6 महीने और रुक जाते हैं हमको तब क्लियर करके देते। कल हमारा क्लियर करने का मतलब क्या था इसका मकसद, इसका करने का जो ऐसे ही पानी भरा हुआ था 6 साल ही भरा हुआ तब भी लोग निकल जाते ऐसे, अब कोई फायदा नहीं इसका, कोई इसका कोई हल निकाल लो गोयल साहब, उसको करो इसको कुछ, हम 6 महीने और रुकने को तैयार हैं, बंद कर दो आप इसको, इसका कोई साधन निकालो कि पानी ना रहे, पानी नहीं रहेगा तो अब लोग निकलेंगे, पब्लिक को अभी नुकसान ही है कुछ नहीं है। कल सौगात दे दी पब्लिक को कि चलो ये अम्बाला वासियों सौगात दे दी अंडरब्रिज की, कैसी सौगात है इसे पानी भिरा हुआ है सारे में, नहीं क्या बोलना है कुल मिला के पब्लिक को नुकसान ही है, इस पुल से कोई फायदा नहीं है, इतना 6 करोड़ रुपए लगने के बावजूद भी नुकसान ही हो रहा, तो फायदा क्यों लगाया 6 करोड़ रुपए, है तो पब्लिक का ही पैसा। किसके पास था उनका कार्य फिर से उसी गति से चले आ जी, रात को कल ये उसी गति से बेचारे कपड़ा व्यापारी भी गिरे हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं गिरे हैं, जो कोई बाइक से है वहाँ खड्डा है वहाँ पे गिरे हैं, और बच्चों को भी चोटें लगी हैं। कल लोग खुशी खुशी में निकल तो गए, लेकिन जब सुबह निकले हैं तो सारी रात पानी भरता रहा, जब सुबह निकले तो 5-5 फुट पानी था, तो लोगों से निकला नहीं गया यहाँ से, वो कहते गोयल साहब ने क्या कर दिया ये, कि आपने निकलना तो पानी सुखा दिया, पब्लिक ने निकलना है तो पानी क्यों नहीं सिखा रहे भाई।